आज अपने इस वीडियो में मैं आपको करुणा रेखी के बहुत ही प्यारे सिंबल शामिंग के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको हम अलग अलग बीमारियों में यूज करते हैं, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए, दर्द के लिए, सब चीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन शामिंग एक ऐसा सिंबल है जो सिर्फ दर्द के लिए बना हुआ है। आपको कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा हो, आपने शामिंग का इस्तेमाल किया और समझ लीजिए आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। शामिंग इतना पावरफुल और इतना ब्यूटीफुल सिंबल है कि इसका यूज करने भर से 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। देखिए शामिंग होता कैसा है, ये देखिए, ये शामिंग सिंबल है। शामिंग सिंबल देखने में तारे जैसा है, स्टार जैसी इसकी आकृति है, रंग इससे जुड़े हुए हैं सफेद, गोल्डन, ये कलर शामिंग सिंबल से जुड़े हुए हैं। यानी कि आप जब भी शामिंग का इस्तेमाल करें तो आप हीलिंग देते वक्त इन कलर्स को विजुअलाइज करना है आपको। यानी व्हाइट आप तारे जैसी सफेद रोशनी को विजुअलाइज करिए, या फिर गोल्डन रोशनी को आप विजुअलाइज करिए और हीलिंग दीजिए। शामिंग ऐसे यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि शामिंग सिंबल को इस्तेमाल कर कौन सकता है। फर्स्ट या सेकेंड लेवल पे अगर आप हैं तो आप शामिंग सिंबल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। शामिंग करुणा रेखी का सिंबल है, साथ ही जब आपका डाइकोमियो का ट्यूनमेंट हो चुका हो तब आप शामिंग सिंबल यूज कर पाएंगे। शामिंग सिंबल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए नहीं है, थर्ड लेवल के बाद ही, डाइकोमियो के अट्यूनमेंट होने के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं शामिंग को। देखिए शामिंग के यूजेस क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी तरह का दर्द आपके शरीर में अगर हो रहा है और आपने वहां पर शामिंग को डाला, समझ लीजिए दर्द में आपको आराम आने लगेगा। किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे आपका बॉडी पेन हो रहा हो, आपको घुटनों में दर्द हो रहा हो, या फिर आपको कोई चोट लग गई हो, किसी भी तरह का दर्द हो रहा हो आपको, तुरंत आपको शामिंग डाल के वहां पर हीलिंग देनी है, आपको आराम आएगा। किसी भी तरह की जलन हो आप शामिंग सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जलन कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गर्म चीज से आप जल गए हैं, वहां पर आप शामिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए धूप में आप जल रहे हैं, आपकी बॉडी में हीट फील हो रही है आपको, आप शामिंग सिंबल इस्तेमाल करिए, आपको वहां भी आराम आएगा। किसी भी तरह से मान लीजिए आपको स्किन में रैशेस हो गए हैं जिसकी वजह से आपको बहुत जलन फील हो रही है, या किसी चोट की वजह से आपको बहुत दर्द जलन महसूस हो रही है, एकाएक आपको इरिटेशन हो रहा है, तो आप शामिंग सिंबल से वहां पर हीलिंग दीजिए, आपको तुरंत आराम आएगा। थर्ड चीज है, आपको किसी भी कीड़े ने काट लिया हो, किसी भी जहरीले कीड़े ने अगर आपको काट लिया हो, वहां पर आप शामिंग सिंबल डालकर हीलिंग देंगे, समझ लीजिए उस कीड़े का, जहरीले कीड़े का जहर भी निकाल सकता है ये सिंबल, इतना पावरफुल है। किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा हो, मान लीजिए आपको किसी उड़ने वाले कीड़े ने ही एकाएक काट लिया, यहां पर ही अगर काट लिया, आपने यहीं पर हीलिंग दी, शामिंग सिंबल डाला, आपने हीलिंग दी, आपको आराम आने लगेगा, उसका जहर वहीं के वहीं निकल जाएगा, सूजन कम हो जाएगी। चाहे बॉडी में कहीं भी हो, अगर घुटनों में भी अगर आपको दर्द हो रहा है और वहां पर भी आप शामिंग सिंबल डालते हैं, वहां भी आपको आराम होगा। बैक पेन में, अगर आपको बॉडी में बैक पेन बहुत ज्यादा है, आप शामिंग सिंबल डालिए, आप वहां पर भी हीलिंग दीजिए, आपको बैक पेन में आराम मिलने लगेगा शामिंग से। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि शामिंग सिंबल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, शामिंग सिंबल को यूज करने का तरीका क्या है। देखिए अगर आप किसी ऐसी बीमारी के लिए कर रहे हैं जो लगातार आपके शरीर में है, जैसे कि बैक पेन हुआ, या फिर घुटनों का दर्द हुआ, या फिर कोई और आपकी बॉडी में दर्द है, कहीं भी पैरों में दर्द है, कहीं भी दर्द है आपको, तो ऐसी वाली बीमारी जो पहले से चली आ रही है, तो उसके साथ में आप उसको उसके उसको हीलिंग करते वक्त आप इसके साथ में जोनर डालिए। जोनर क्यों? जोनर क्योंकि बीमारी रोग का इलाज भी करेगा, किसी भी पुरानी बीमारी का इलाज जोनर करेगा, साथ में जोनर भी दर्द में हीलिंग देगा आपको, और शामिंग तो हीलिंग आपको देगा ही। तो पुरानी बीमारी की हीलिंग के वक्त आप डालिए डाइकोमियो, या फिर चोकरे के साथ में आप जोनर डालिए, शामिंग डालिए और हीलिंग दीजिए, तो इससे आपको आराम आएगा। मतलब आपके शरीर में किसी भी तरह की लगातार जो दर्द महसूस होता है, मान लीजिए आपको शोल्डर में पेन है, आपको साइटिका पेन है, तो ऐसे वाले पेन में आप जोनर के साथ इसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि जोनर न सिर्फ दर्द में आराम, क्योंकि शामिंग से तो दर्द में आराम आएगा, लेकिन जोनर आपकी बीमारी को भी हील करेगा, तो ये ऐसे यूज करिए। अगर लेकिन कहीं आप एकाएक आपको किसी ने काट लिया है मान लीजिए, या आप यहां पर कुछ हाथ पे कुछ फैल गया है, आप जल गए हैं, तो ऐसे समय में आप
उसी जगह पे आपको करना क्या, मान लीजिए यहां पर आपको कुछ हुआ है, आप जल गए हैं यहां पर, या यहां पर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, तो आप क्या करेंगे, इसी जगह को होंशाजेश्वरी ना बनाइए और अपनी इसी जगह को कनेक्ट कर लीजिए कि मेरा ये वाला पोर्शन होंशाजेश्वरी से आपने कनेक्ट किया, और फिर आप यहां पर बनाइए शामिन, उसी जगह पे जहां पर आप इलाज देना चाह रहे हैं, हीलिंग देना चाह रहे हैं, उसी जगह पे आप बनाइए शामिन, और अपने हाथ में आप बनाएंगे चोकुरे, शामिन और चोकुरे, यानी चोकुरे, शामिन और चोकुरे का आपको सैंडविच बना के हीलिंग देनी है। ऐसे वाली जगह पे आपको जोनर भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एकाएक कोई परेशानी आई है और आपको दर्द में राहत चाहिए, तो दर्द के लिए तो शामिन ही है सबसे यूजफुल। आप तुरंत शामिन डालिए, उसी जगह पे डालिए, हाथों में डालिए और आप हीलिंग दीजिए, आपको तुरंत आराम होने लगेगा। आपकी अगर आपने तुरंत हीलिंग दे दी तो आपकी स्वेलिंग भी नहीं होगी, अगर स्वेलिंग हो गई है तो आप 10 मिनट 15 मिनट आप हीलिंग दीजिए, आपकी रेडनेस जो भी होगी वो कम हो जाएगी, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और जहर भी धीरे धीरे निकल जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो शामिंग इतना यूजफुल सिंबल है। शामिंग की आप जब भी हीलिंग शामिंग सिंबल से दे रहे हो, हमेशा मन में गोल्डन कलर या व्हाइट कलर को विजुअलाइज करें, क्योंकि शामिन तारा है। आप समझ लीजिए किसी तारे की रोशनी आपको मिल रही है और उस रोशनी से आपकी हीलिंग हो रही है, मतलब सफेद चमचमाती रोशनी आपके उसी जगह पे जा रही है जहां पर आपको परेशानी हुई है, तो उस रोशनी को विजुअलाइज करके आप हीलिंग दीजिए, आपको बहुत तेजी से रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो साथियों, ये हुआ एक शामिन सिंबल जिसको हम दर्द के लिए यूज करते हैं। अगर आपको शामिन सिंबल या किसी और सिंबल के बारे में मुझसे जानना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे रेखी सीखना चाहें, स्विचवर्ड सीखना चाहें, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।